जितने के काटे नहीं चालान, उससे ज़्यादा रुपए मिले पुलिस की गाड़ी में। 8 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर। जी हाँ दोस्तों, आपको एक बड़ी खबर से रूबरू करवा रहे हैं, जहां नेशनल हाईवे 44 पर ट्रैफिक कर्मियों ने चालान के दौरान जांच के नाम पर अवैध वसूली की। शिकायत मिलने पर मौके पर पहुंची एसीबी टीम ने मौके पर गाड़ी के अंदर से चालान से अधिक राशि मिलने को लेकर ड्यूटी पर तैनात सभी ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के खिलाफ एसीबी में प्राथमिकी दर्ज कर रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को भेज दी है। पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए ड्यूटी पर तैनात यातायात प्रभारी मंतुराम सहित 8 ट्रैफिक पुलिस कर्मचारियों को लाइन हाजिर कर दिया है। एसीबी टीम को यातायात पुलिस की इंस्पेक्टर गाड़ी की जांच करने पर कुल 27,090 रुपये मिले, जबकि चालान महज 3,000 रुपये के किए गए थे। एसीबी ने चालान से अधिक मिले 24,090 रुपये की राशि को अवैध वसूली माना है।